क्लास फोर, सब्जेक्ट मैथ, लेक्चर नंबर 10, मल्टीप्लिकेशन, पेज नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से आज हमने स्टार्ट करना है। पहले 6 क्वेश्चन जो है 6 वो आप लोगों ने कल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखें। 383 मल्टीप्लाई 340। सबसे पहले हमने 0 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 आएगा, 3 को 8 से करेंगे तब भी 0 आएगा। आपको बताया कि 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो उसका 0 ही आता है, 0 को 3 से करेंगे तो भी 0 आएगा क्रॉस, क्योंकि हमने पहली रकम हल कर ली है। अब 4 का टेबल 3 ज़ार पढ़ना है, 4 3 ज़ार 12, 12 का यहाँ पे 2 लगेगा, 1 जो है वो ऊपर कैरी जाएगा। 4 8 ज़ार 32 में हम कैरी जो एक 1 है ये से हम ऐड करेंगे तो ये 33 बन जाएगा। 33 का यहाँ पे हम 3 लगाएंगे तो 3 जो है वो हमारे पास ऊपर कैरी चला जाएगा। 4 3 ज़ार 12, 12 में 3 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 15, 15 यहाँ पे पूरा लगेगा। अब यहाँ पे हमने दो रकमें हल कर ली हैं तो यहाँ पे 2 क्रॉस। अब 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24, 24 का 4 जो 24 है उसका यहाँ पे 4 लगेगा, जो 2 है ये ऊपर कैरी जाएगा, ठीक है। और 3 3 ज़ार 9, और 9 एंड 3 12, 3 3 3 3 ज़ार 9, और 2 ऊपर जो हमारे पास कैरी है 2 वो ऐड करेंगे, 9 एंड 2 11। अब इनको जमा करना है, 0 का 0 2, 9 एंड 3 12, 12 का एक ऊपर आएगा, 5 एंड 1 6, 6 और 4 10, 10 का 0 1 कैरी जाएगा, 1 2 3 4। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों मैंने किया है, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 6 क्वेश्चन ये आप लोगों ने क्लास असाइनमेंट्स पे वर्क करने हैं और साथ में टेबल नंबर 8। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।